हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जुनून क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे बीएससी कोर्स के बारे में, आप इसमें कैरियर ऑप्शन हो सकता है, तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी चैनल के थ्रू। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ करियर ऑप्शन पे कि 12th साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, तो आई बटन पे आप जाके लिंक को वहाँ से क्लिक कर सकते हैं और मेरी जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी कोर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जिनका कमेंट आया कि सर बीएससी के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो मेरी उन्हीं के लिए है और सभी बच्चों के लिए जो बीएससी कोर्स करना चाहते हैं। बीएससी की बात करें तो बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस। हिंदी में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे साइंस से स्नातक करना, विज्ञान से स्नातक करना। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है, मतलब कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स, तो 3 इयर्स में मैक्सिमम जितने भी कॉलेज हैं 3 इयर्स में बीएससी को कंप्लीट करा देती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बीएससी जो कोर्स है वो 4 ईयर में होता है। कुछ कॉलेज में एनुअल स्कीम में होता है, कुछ कॉलेज में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम रहता है कि आपके हर 6 मंथ में आपकी एग्ज़ाम होगी, और कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम कॉलेजों में एनुअली स्कीम में एग्ज़ाम्स होती हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर करियर ऑप्शन की या स्कोप की, तो बहुत सारा है आप देखा जाए बीएससी करने के बाद में, लेकिन मैं इससे पहले आपको करियर ऑप्शन बताऊँ इसके अंदर, उससे पहले मैं आपको बात करूँगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से आप बीएससी कर सकते हो, ऑनर्स बीएससी क्या होता है, जनरल बीएससी क्या होता है, इन सब के बाद मैं आपको बात करूँगा। देखो, हम बात करते हैं कि बीएससी जनरल क्या है, बीएससी ऑनर्स क्या है। जनरल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 ईयर ही ड्यूरेशन रहेगा, जबकि ऑनर्स की बात करें तो 3 ईयर हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर का कोर्स भी करवाती हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो 3 सब्जेक्ट ही आपके बीएससी जनरल में होंगी, बट ऑनर्स में ये थोड़ा एडवांस होता है। बीएससी जनरल से जो ऑनर्स वाला पार्ट होता है थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है, वो कैसे आइए देखती है। देखो, हम बात करें अगर बीएससी जनरल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पीसीबी से 12th पास हैं, हाँ, आपकी जो एलिजिबिलिटी है या आपकी जो योग्यता है वो क्या हो सकती है बीएससी कोर्स के लिए, तो आप 12th साइंस स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। 12th साइंस स्ट्रीम से मतलब आप या तो पीसीबी के से पास हो बायोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर आप मैथ से पास हो सकते हो या एग्रीकल्चर से, किसी भी स्ट्रीम हो लेकिन साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो बट साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, तो आप बीएससी कर सकते हो। तो अगर बीएससी जनरल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो पीसीबी सब्जेक्ट हो सकती है आपके पास, या फिर पीसीएम हो सकती है, पीसीबी हो सकती है या पीसीएम हो सकती है, मेरे पास पीसीबी थी। पीसीबी की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये दोनों स्ट्रीम, अगर आप पीसीबी से 12th पास हो तो आप अगर बीएससी जनरल करोगे तो आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो, तो यहाँ पर फिजिक्स हट जाती है आपके। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जब आप जनरल कोर्स करोगे बीएससी का, तो आपकी फिजिक्स हट जाएगी यहाँ से और सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचेंगी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री आपकी रहेगी, केमिस्ट्री में 3 बुक्स होती हैं, ऑर्निक, इनऑर्निक और फिजिकल। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन से पार्ट में, एक आपका है यहाँ पर जूलॉजी और एक यहाँ पर है आपका बॉटनी, तो ये 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बायोलॉजी, एक तो जूलॉजी एक बॉटनी, तो ये एक पूरा बन जाएगा सीबीजेड बन जाएगा, क्या बन जाएगा सीबीजेड, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, ये पूरा एक सेट बन गया, और ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये आपके जनरल बीएससी में हो सकती हैं, जनरल बीएससी में आपकी 3 सब्जेक्ट हो सकती हैं। अगर आप पीसीएम से हो तो आपकी 3ों सब्जेक्ट ही रहेंगी, फिजिक्स भी रहेगी, केमिस्ट्री भी रहेगी और मैथ्स भी रहेगी, 3ों सब्जेक्ट ही रहेंगी आपके। बट अगर आप सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट को एडिशनल लेना चाहते हो, आपने को लगा कि आपको फिजिक्स टफ लगती है और अगर आप अदर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, फिजिक्स की जगह आप बायोलॉजी वाला पोर्शन ले सकते हो, मैथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप ले सकते हो, जैसे आपने जियोलॉजी ले ली या फिर कोई और सब्जेक्ट ले ली, तो आप एक सब्जेक्ट एडिशनल भी ले सकते हो इसको यहाँ से हटा के, नहीं तो आप पीसीएम और सीबीजेड से बीएससी जनरल कर सकते हो। कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया 3 इयर्स का, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, 12th पास होनी चाहिए हो आप, हाँ। एंड एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अगर आपकी 12th में अच्छे परसेंटेज है, अगर आपकी 12th में अच्छे परसेंटेज बना है तो आप जब एडमिशन लोगे, तो एडमिशन लेने के लिए अगर आप टॉप कॉलेज की बात करो, तो जैसे साइंस स्ट्रीम में जो टॉप कॉलेज होती है, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डी यू की बात करें यहाँ पर,
दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए DU, तो इंडिया के अंदर DU को टॉप माना जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप यूनिवर्सिटियों में माना जाता है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत टॉप लेवल पे हैं। तो अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो आपको एक हायर परसेंटाइल बनाना पड़ता है या परसेंटेज बनाने पड़ते हैं। CBSE का स्टूडेंट है तो उसकी परसेंटाइल काउंट होती है, और अगर RBSE या अदर स्टेट बोर्ड का कोई स्टूडेंट है तो उसकी परसेंटेज काउंट होती है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ से BSc कर सकते हो, ये कोर्स कर सकते हो, और अगर आपके मीडियम मार्क्स है तो आप प्राइवेट कॉलेज से या आपकी जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कॉलेज होती है वहाँ से भी आप BSc कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो टॉप कॉलेज हैं वहाँ से भी आप BSc जनरल कर सकते हो, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस कुछ नहीं होता, अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स आए, आप एडमिशन फॉर्म भरिए और आप वो जनरल कोर्स कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करें ऑनर्स की, बात करेंगे BSc ऑनर्स की। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन BSc जनरल एंड BSc ऑनर्स, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मैंने इसमें बता दिया सिर्फ सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको होनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 सब्जेक्ट का सेट होगा आपके जनरल में। बट अगर ऑनर्स की बात की जाए तो ऑनर्स में ये थोड़ा एडवांस होता है जनरल से, ऑनर्स जो है BSc ऑनर्स ये एडवांस होगा जनरल से। और अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री आपने ली तो केमिस्ट्री थोड़ी एडवांस होगी। केमिस्ट्री में जैसे यहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है या फिजिकल केमिस्ट्री है, तो एक और चलेगी एनालिटिकल चलेगी या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी चलेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनालिटिकल चलेगी, यहाँ पर एनालिटिकल चलेगी। तो मतलब कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगी, मतलब एक बुक ज़्यादा होगी कंपैरिजन जनरल BSc के। तो टिपिकल होगा BSc ऑनर्स कंपैरिजन BSc जनरल के मोर देन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा एडवांस चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट ज़्यादा होंगी, बुक्स ज़्यादा होंगी। सब्जेक्ट तो दो ही होने वाली हैं, एक तो मेन सब्जेक्ट होगी, जैसे आपने यहाँ पर केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट ले लिया तो आप कहलाओगे केमिस्ट्री ऑनर्स, अगर आपने फिजिक्स ली तो आप बोले जाओगे फिजिक्स ऑनर्स, अगर आपने फिजिक्स मैथ से अगर आप कर रहे हो ऑनर्स तो मैथ ऑनर्स, तो अगर केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, ऐसे आप कर सकते हो। तो लेकिन आपको एक सब्जेक्ट साइड में सब्सिडरी लेना पड़ेगा, और वो जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, अगर आप मैथ से कर रहे हो, मैथ आपकी ऑनर्स है तो ये तो आपका होगा ही होगा, साथ में आपको एक सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी, तो केमिस्ट्री लो या फिजिक्स लो अगर मैथ के हो, और अगर आप बायोलॉजी के हो और अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ऑनर्स की है तो आपको या तो जूलॉजी लेना पड़ेगा या फिर आपको बॉटनी लेना पड़ेगा, दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यही डिफरेंस होता है ऑनर्स में और जनरल BSc में, जो दोनों डिग्रियाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि स्कोप क्या है या करियर ऑप्शन क्या है इसके अंदर। तो काफ़ी सारा करियर ऑप्शन है, BSc के बाद आपको ढेरों सारी जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों सेक्टरों में बहुत सारी जॉब है। अगर हम बात करें BSc डिग्री करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो BSc करने के बाद अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है, मतलब आपको आगे जाके पढ़ाई करनी है और भी डिग्रियां लेनी है या और हायर एजुकेशन करनी है आपको, तो आप MSc कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, BSc के बाद यहाँ पर आप MSc कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो, और मास्टर ऑफ साइंस का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर्स का होता है, कितने ईयर्स का होता है, 2 ईयर्स का। अब आपने जनरल BSc या ऑनर्स BSc में कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो, यहाँ पर जो मास्टर ऑफ साइंस होगी वो सिंगल सब्जेक्ट में होगी, एक सब्जेक्ट में होगी। मान लीजिए मेरे पास CBZ था, केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, और मैंने यहाँ पर MSc करी केमिस्ट्री से, तो मैं केमिस्ट्री से MSc कर लूँगा, तो मैंने एक सब्जेक्ट से, सिंगल सब्जेक्ट से आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो, अगर वो कोई अदर स्ट्रीम का है वो भी कर सकता है, बट वो MA होगा, MCOM होगा। साइंस स्ट्रीम का बंदा MSc करेगा, उसे मास्टर ऑफ साइंस बोलेंगे, जिसका कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होगा। अब MSc का क्या प्रोसेस होता है, तो MSc का आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से MSc करना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे इंडिया की अगर बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी IIT की आती हैं, और IIT के लिए आपको अगर MSc करनी है IIT से, तो IIT के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस टेस्ट का जो नाम होता है वो होता है IIT JAM। क्या होता है? IIT JAM होता है। तो आपको IIT JAM का एक एंट्रेंस टेस्ट फिल करना पड़ेगा। BSc सेकेंड ईयर फाइनल ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और फाइनल ईयर के साथ ही आप एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हो,
भरने के बाद अगर आपका नंबर आ जाता है, आपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हो, तो आप आईआईटी कॉलेज से आप क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। अगर आपका आईआईटी में नहीं होता है तो आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू या स्टेट लेवल की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ से भी आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद में आप नेट जेआरएफ जैसे कोर्स कर सकते हो जिससे कि आपको आगे काफ़ी मदद मिलेगी करियर ऑप्शन चूज करने में। एमएससी के बाद अगर आप नेट जेआरएफ करते हो तो जैसे नेट एक एलिजिबिलिटी होती है कॉलेज व्याख्याता के लिए, अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको एक टेस्ट फाइट करना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट का नाम है नेट। साथ में अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हो तो जेआरएफ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप नाम से एक फेलोशिप मिलती है आपको, जो जब तक आप पीएचडी करोगे या कोई भी अगर एमफिल वगैरह करते हो तो आपको फेलोशिप मिलती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी, आगे जाके आप हायर स्टडीज़ में एमएससी, पीएचडी या फिर आगे जाके एमफिल वगैरह कर सकते हो। अगर आपको बीएससी के बाद भी जॉब चाहिए तो आप एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी, रेलवे या जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट सर्विस के, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप केमिस्ट बन सकते हो, अगर ना आप केमिस्ट्री ऑनर्स से हो तो आप केमिस्ट बन सकते हो। मेडिकल सेक्टर में आपका काफ़ी सारा स्कोप है, मेडिकल जितने भी दवाई वगैरह बनती है उन सबकी फैक्ट्रियों में भी आपका काफ़ी अच्छा करियर हो सकता है। अगर आप नॉर्मल बीएससी हो तो बीएससी के बाद में आप बीएड भी कर सकते हो, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपको बीएससी के बाद में तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो या लैब असिस्टेंट बन सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी लैब असिस्टेंट बन सकते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में भी लैब असिस्टेंट बन सकते हो। साथ ही बीएससी के बाद अगर आप पीसीएम से हो या सीबीजेड से हो, दोनों सेक्टरों में प्राइवेट सेक्टरों में ढेरों मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप कोई से भी जैसे यूपीएससी, एसएससी किसी में भी अप्लाई कर सकते हो काफ़ी सारी ढेरों पोस्टों के लिए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि आपका क्या करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि सर पर्टिकुलर आप पीसीएम पर फोकस कीजिए, आप सीबीजेड पर फोकस कीजिए, तो मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर दीजिए सर ये वीडियो बनाइए। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि एंट्रेंस कैसा होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट हो सकती है, ये सब चीज़ें मैंने बीएससी के आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।